में है भाई, और कक्षा 11 में डे 62 में, जिसमें चैप्टर संख्या 6 चल रहा है अपना। और पिछली क्लास में हमने इसका फर्स्ट टॉपिक किया था कार्य किसे कहते हैं, जिसमें हम सामान्य बातें की थी कि कार्य बल गुणा विस्थापन होते हैं और कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किस पे, सिचुएशन पे, किस तरह से दोनों के बीच में यानी बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है वो कैसे बढ़ेगा, वो भी हमने सिचुएशन देखी थी कि अगर एक ही दिशा में है तो क्या स्थिति होगी, विपरीत दिशा में है तो किस प्रकार की स्थितियों में विपरीत दिशा होती है, 180 डिग्री एंगल बनता है उस स्थिति में W इज इक्वल टू माइनस एफ एस या माइनस एफ एक्स लिखा था हमने, माइनस एफ एक्स होता है। और 90 डिग्री की स्थिति क्या होती है, उसी स्थिति में कार्य का मान जीरो होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक उसी से संबंधित है, वही बात है, वैसे थोड़ा सा एक अलग बात ले रहे हम कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल का मतलब है यदि बल का मान भी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, बदल रहा है समय के साथ, तो उसी स्थिति में विस्थापन वही बल गुणा विस्थापन ही कार्य होगा। लेकिन वहां कैसे निकाले कि पहले तो बल थोड़ा लगा, मान लो 10 न्यूटन लगा, फिर बाद में बीच में बल का मान बदल गया 12 न्यूटन लगा, तो विस्थापन हो गया मान लो 10 मीटर, और लेकिन बल का मान हर जगह 10 न्यूटन नहीं है, कभी 8 न्यूटन भी हो रहा है, कभी 5 न्यूटन भी हो रहा है, कभी 10 न्यूटन। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में जो भी पार्ट है, जितनी दूरी पर बल लगा है, जितनी दूरी तक बल लगा है किसी वस्तु पर, जितना विस्थापन उत्पन्न हुआ है, उसको छोटे छोटे अल्पांश में विभाजित कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, हम पहले भी ये बातें कर चुके हैं। एक समाकलन विधि हमने पढ़ी है, गणित की समाकलन विधि। समाकलन का मतलब होता है जोड़ करना, और ऐसी नौबत कब आती है जब हमें बहुत छोटे छोटे भाग लिए जाते हैं, तो फिर हम उसको गणित की कौन सी विधि से, समाकलन विधि से सिंप्लीफाई करते हैं और टोटल निकालते हैं, तो वहाँ समाकलन के द्वारा उसको हल किया जाता है। और समाकलन किस पर, फॉर्मूला पर आधारित है। जैसे हमने सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज किया था क्या, x की पावर n का समाकलन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसी का ही सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो ही ध्यान रखना। तो क्या कंडीशन अपने पास क्या दिया गया है कि बल का मान, तो यदि क्या हो, यदि बल का मान, बल का मान परिवर्तनशील हो या परिवर्तित हो तो विस्थापन को किसमें, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं तथा समाकलन विधि से परिणामी कार्य का मान ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूला कार्य का वही रहेगा, बल गुणा विस्थापन। तो अब देखो क्या स्थिति होती है, कैसी कंडीशन है। नॉर्मली हम इस तरह से ले सकते हैं कि इधर तो ले रहे हैं हम क्या, विस्थापन, और इधर ले रहे हैं हम बल। और कैसे, इस तरह से ग्राफ है अगर इसका, तो यहाँ देखें, इस पॉइंट पर देखें, तो ये तो हो गया विस्थापन और ये हो गया इस पॉइंट पे बल, इसके सामने बल। या फिर यहाँ देखें तो बल बदल गया, बल का मान इतना हो गया इसके सामने, यहाँ देखें तो बल का मान कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, यदि वस्तु को हमें क्या देखना है कि पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट लास्ट देखना है, वस्तु को कहां से कहां तक विस्थापित किया गया है, ए से बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे। इस अल्पांश में मान लेते हैं ये एक अल्पांश ले लिया हमने, इसका जो अल्पांश अल्प भाग है, थोड़ा विस्थापन जो है उसका मान कितना है, dx है, ठीक है। इस थोड़े भाग में बल का मान ले लें f है, तो कुल मान कैसे निकालें कि विस्थापन कहां से शुरू किया था, a से शुरू किया था और कहां तक गया, b तक गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और सबका अलग अलग मान निकाल लें, यहाँ छोटा टुकड़ा करें उसको एफ डी एक्स अलग निकाल लें, दूसरा टुकड़ा करें उसका एफ डी एक्स अलग निकाल लें, तीसरा करें उसका अलग निकाल लें, चौथा करें, लास्ट तक करते रहे छोटे छोटे पार्ट, और सबको बाद में क्या करें, जोड़ दें, हो गया कुल कार्य। तो यहाँ पर लेकिन किसके द्वारा निकाला जाता है, समाकलन के द्वारा। तो समाकलन में जब भी करते हैं तो सबसे पहले क्या करो, पहले थोड़े पार्ट के लिए सोल्व कर लो, और फिर क्या कर दो, जहां से शुरू किया और जहां तक लेके गए हैं
वो उसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा हो जाएगी, उनके मध्य क्या कर दें हम समाकलन कर दें, समाकलन कर देंगे तो जो मान प्राप्त हो जाएगा वो कुल मान आ जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना, क्या माना, कि किसी वस्तु को बिंदु ए से बी तक विस्थापित किया गया है किसी समय विस्थापन अल्पांश क्या है, क्या लिया हमने, dx है। तो इसके लिए कुल कार्य, इसके लिए तब इस विस्थापन dx में कार्य क्या मान लिया, dw है। यानी विस्थापन थोड़ा होगा तो कार्य भी थोड़ा, कुल कार्य तो कहां से कहां तक हो रहे हैं, जब वस्तु को ए से लेकर बी तक लेके गए तो टोटल कार्य हुआ, हमें क्या निकाल रहे हैं, हम थोड़े पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो कार्य भी क्या होगा, थोड़ा होगा। इसीलिए थोड़े पार्ट को हमने क्या लिखा है, स्मॉल पार्ट अल्पांश dx, तो स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन भी स्मॉल होगा जो क्या है dw है। इसीलिए dw इज इक्वल टू बल कितना लग रहा है, F लग रहे हैं, और वैल्यू क्या आ जाएगी, F इंटू समझ आगे ना, dx को विस्थापित किया, फॉर्मूला वही है, w इज इक्वल टू fx बल गुणा विस्थापन। तो ये बल गुणा विस्थापन, थोड़ा विस्थापन तो थोड़ा कार्य, पूरा विस्थापन तो पूरा कार्य। अब पूरा विस्थापन लगा देंगे इसमें, तो वस्तु को कहां से कहां तक विस्थापित किया है, वस्तु को ए से बी तक विस्थापित करने में कुल कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, W, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, F इंटू dx। और समाकलन कहां से शुरू कर रहे हैं, A से B तक, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन वैल्यू ले ली कि A से B तक हम लेके जा रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में या टॉपिक्स में जैसी सिचुएशन होती है वैसे हम ले लेते हैं। जैसे हमने समाकलन विधि से गति की समीकरण ली थी, तब हमने बात किया कि t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है, और कुछ समय बाद t बराबर t पर अंतिम वेग v हो जाता है। तो समय की तो लिमिट हमने क्या ले ली थी, 0 से t, और वेग की लिमिट हमने क्या ले ली थी, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग। तो जैसा हमें दे दिया उसी के अनुसार हमें क्या करना है, यूज करना है। हमने कॉमन वैल्यू ले ली कि कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, ए से बी तक। अगर ए से बी तक की जो स्थिति है वो हमें दे दी जाए, तो वो स्थितियों के रूप में भी हम इसकी लिमिट जो है वो शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बात वही है, वही बात है, W इज इक्वल टू क्या, F इंटू x, हर जगह ये बात काम में आएगी और ये बेसिक बात है। इसलिए कल हमने इसी बात पे ज्यादा जोर दिया था कि W इज इक्वल टू Fx पे ज्यादा फोकस करना है, कि कार्य जो होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। सिंपल सीधी सी परिभाषा है ये। जब हमें अगर यहाँ देखिए परिवर्ती बल के द्वारा, परिवर्ती बल के द्वारा का मतलब है, एक तो ये इस तरह से बल लग रहा है कि हर जगह बल का मान, यहाँ देखेंगे तो भी बल का मान यही है, यहाँ देखेंगे तो भी बल का मान यही है, यहाँ देखेंगे तो भी बल का मान यही है, यहाँ देखेंगे तो भी बल का मान यही है। लेकिन जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ देखेंगे तो बल का मान ये है, यहाँ देखेंगे तो ये है, यहाँ देखेंगे तो ये, यहाँ हर जगह बल का मान क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और समाकलन विधि से मान प्राप्त किया जाता है। और यहाँ स्मॉल पार्ट हमने क्या ले लिया, dx ले लिया। तो ये dx के लिए जो कार्य होगा थोड़ा होगा, उसको हमने क्या लिया है, dw। तो dw इज इक्वल टू fdx। अब कुल कार्य कहाँ तक का होगा, जहां से वस्तु को खिसकाना शुरू किया और जहां तक ले गए, कहां से शुरू किया, a से, और कहां तक ले गए, तो लिमिट क्या आ गई, a से b आ गई लिमिट, और कुल मान आ गया। अब जैसा बल लगेगा, अभी हम आगे बात करेंगे आगे के टॉपिक्स में, जैसा बल लगे उसी के अनुसार हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो परिवर्ती बल कोई अलग से कुछ नहीं है, है वही बल, लेकिन बल का मान बदल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, समाकलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट भी हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको लिख लें, और अब इसी में हम एक दो बातें और कर लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आते हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। वैसे तो जो हमने अधिश गुणा किया है वही इसके न्यूमेरिकल वही है, इसीलिए हमने पहले वही किया है।
क्वेश्चन इसके दो तरह से आते हैं, दोनों तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन क्या आएगा, सीधा आपको दे दिया कि इतना बल इतना विस्थापन इतना कोण, सोल्व करो। ठीक है, जैसे किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाने से वह 5 मीटर विस्थापित होती है, यदि बल व विस्थापन के मध्य कोण 60 डिग्री है तो कार्य का मान बताइए। एक तो ये प्रकार है इसका, सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर दो, दूसरा प्रकार क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, यदि किसी वस्तु पर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप न्यूटन बल लगाने से उसमें विस्थापन 3i कैप प्लस j कैप मीटर उत्पन्न होता है तो वस्तु पर किए गए कार्य का मान बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, दोनों के आंसर हमारे पास पहले है। कौन सी क्लास में, 2 दिन पहले जो हमने क्लास लीक की थी, जिसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले अदिश गुणा पढ़ा था, दो सदिश राशियों का अदिश गुणा a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। उसमें दो तरीके, दोनों तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऐसे क्या तरीका है कि अगर आपको मान दे दिया डायरेक्ट तो क्या करना है, a का मान रखो, b का मान रखो और cos थीटा का मान रखो। हमने वहां क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने cos 60 ही लिया था, आसान थोड़ा सा, 1/2 होता है इसका मान, इसलिए इजी हो जाते हैं कैलकुलेशन। और दूसरा तरीका, आपको a वेक्टर और b वेक्टर के मान i कैप j कैप k कैप में दिए जाए तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पता है हमें, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के, इसलिए आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे वाली वैल्यू का जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, ताकि हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखो इसको तो कैसे करना है, इसमें तो डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स cos थीटा, f का मान दे रखे हैं 10, x का मान दे रखा 5 और यहाँ रख दो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये रख दो 1/2 हो गया, 2 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 × 5 = 25 जूल, मात्र का ध्यान रखना जूल। इसमें क्या करना है, i डॉट i 1 हो जाएगा 2 × 3, j डॉट j 1 हो जाएगा 5 × 1, k है इसमें, k है ही नहीं, इसका मतलब उसका गुणांक 0 है, तो तीसरी बात आएगी नहीं इसके अंदर, तो यही आई डॉट आई जी डॉट, तो उसको जोड़ के उसका मान हम निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बाकी आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।